Hi guys, welcome back to Arya. Tonight's hydrated cream. I have used it before. Oh, lovely. I've not carried my skin tint. Great. The highlighter was from Rare Beauty. Oh, that with some powder. Where's my powder? वेलकम बैक टू माई चैनल इट शीतल। सो आज हम करने वाले हैं आलिया भट्ट का मेकअप ट्यूटोरियल। सो बेसिकली अभी 1 month पहले उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट करी थी, अब उस पर 2 million से भी ज्यादा व्यूज है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा पसंद की गई है वो वीडियो। तो उस वीडियो उस मेकअप ट्यूटोरियल को हम पूरा फॉलो करेंगे। एंड वो जो मेकअप ट्यूटोरियल करा था उन्होंने, जब वो कोरिया गई थी किसी इवेंट में, तब उन्होंने खुद ही वियर करा था। वो कह रही थी उनका फर्स्ट टाइम है विदाउट किसी मेकअप आर्टिस्ट के वो इस मेकअप ट्यूटोरियल को कर रहे हैं। तो चलो साथ में करते हैं एंड देखते हैं कि उनका जो ट्यूटोरियल है, उनका जो मेकअप हैक्स है, वो हमारे ऊपर कैसा टर्न आउट होता है। एंड बेसिकली आलिया भट्ट ना लिटिल बिट मेरी टाइप की भी है, जस्ट बिकॉज कि वो आलिया भट्ट भी है ना, काफी जब पैकिंग वैकिंग करते हैं ना, बहुत सारी चीज फॉरवर्ड कर जाती है, भूल जाती है, तो सेम मेरी तरह है, मैं भी ऐसी भूल जाती हूँ। तो आओ पूरी वीडियो साथ में देखेंगे एंड साथ में करेंगे भी। बिफोर स्टार्टिंग अ मेकअप, मैं ये बोलना चाहूंगी जो वो मेकअप प्रोडक्ट यूज कर रही हैं, मैं उससे बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि जो उनके पास प्रोडक्ट है वो सारे मेरे पास हो, क्योंकि इतने सारे ब्रांड होते हैं, इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि जिस टाइप से वो जो टेक्निक यूज कर रही है, हम वो टेक्निक यूज करके अपने मेकअप प्रोडक्ट से सेम लुक क्रिएट करेंगे। फर्स्ट प्रेप द स्किन। फर्स्ट ही यूजिंग अ प्रेप और वाटर। आई डोंट नो वो क्या यूज कर रही है, उन्होंने कुछ नहीं बताया, जस्ट सी सेइंग दैट वो प्रेपिंग कर रही है अपने फेस को। तो मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब का रोज वाटर। After that she is using a moisturizer. तो मैं यूज कर रही हूँ मेरा जो प्योर स्किन का मॉइस्चराइजर है, जस्ट बिकॉज मेरे बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे थे, इस वजह से मैं सिर्फ प्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज करती हूँ, क्योंकि वो डर्मेट ने दिए मुझे। I'm gonna put a cream. This is really nice cream. I like sometimes trying out stuff that's given by the hotel. And they've given this nice Aesop hydrating. And she is also applying moisturizer on neck, so same मैं भी apply करूँगी। It's a nice hydrating cream. I have used it before because I just gotten off a flight. After that she is using a skin tint और उसमें उन्होंने 3 product को एक साथ मिलाया था, like skin tint, moisturizer and highlighter. तो मैं भी 3 product को एक साथ मिला लूंगी, लेकिन I don't have a skin tint. तो लेकिन Fit Me का जो foundation है वो स्किन टिंट जैसा ही वर्क करता है, उसकी भी सीयर कवरेज होती है, तो हम थोड़ा सा लेंगे, ज्यादा नहीं लेना है, लाइक इतना। इसके अंदर मैं सेम प्योर स्किन की क्रीम मिलाऊंगी एंड हाइलाइटर। 3 ले लिए मैंने एंड इसको मिक्स करेंगे। बाय द वे मैंने ना आज तक ऐसा कभी नहीं करा है, लाइक 3 product और टिंट को, मॉइस्चराइजर एंड हाइलाइटर को मिक्स करके डायरेक्टली अप्लाई कर देना, ऐसा तो नहीं करा है, लेकिन इसे करके देखते हैं। व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी डू। ओह लवली, आई हैव नॉट कैरीड माय स्किन टिंट। ग्रेट। द हाइलाइटर वाज फ्रॉम रेयर ब्यूटी। I can't believe I've not carried my skin tint. I'm so stupid. You always think that you do such a good job packing, but then you just really are terrible. So after that, she is doing a contouring. तो contouring के लिए मैं use करूँगी Swiss Beauty का ये palette, जिसमें है ना contouring blush and highlighter 3 है, and ये budget friendly है और काफी अच्छा है, तो आप भी use कर सकते हो। After that, I'm going to quickly do some contouring. This is before I do my powder. I do a little bit of this. Build in the shape. After that, she layered with the powder. That
पाउडर लगाने के बाद कंसीलर अप्लाई कराए, ये थोड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन है। आई थिंक पहले पाउडरिंग कर ली देन कंसीलर कराए, अभी तक मैंने किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को या किसी को भी ऐसा करते हुए नहीं देखा। लेट्स सी कैसा होता है। लियो दैट विद सम पाउडर। व्हेयर इज माय पाउडर? पाउडरिंग के बाद उन्होंने कंसीलर करा था, एंड कंसीलर जो करा था वो अपने मार्क जो डार्क एरिया है उस पे करा था, तो सेम हम भी करेंगे। तो मैं ये वाला स्टिक कंसीलर यूज कर रही हूँ, पर्पल का कंसीलर। दिस मार्क, दिस मार्क, अंडर आई, एंड या दैट्स इट। आई गॉट दिस पर्सिस्टेंट मार्क ऑन माय चीक व्हिच इज रियली इरिटेटिंग, बट इट्स ऑल माय फॉल्ट because I was picking on it. So now it's just like become very stubborn, and I've been putting creams etc to make it go away, but it's a long process. Be very patient. I've been putting some like medical chemist cream, no, and then ceramides really help. So I've been after that she is reapplying a highlighter, aur unhone highlighter bahut baar lagaya hai, mujhe aisa lagta hai. Even those who have traveled from other parts of the world for the show, it's a really big show, and it's at this really beautiful spot, it's a heritage site, I don't want to pronounce the name wrong, but that's where the show is happening. Okay, so this was, sorry, I didn't mention. This was just some, again, highlight that I'm doing on the cheeks. I'm just trying to go for a very like glowy, cool look. So after that, she's doing the eye makeup. Aur eye makeup mein unhone eyeshadow mein jo liya tha, nude brown color liya tha for eyeshadow. And same way se hum karte hain. Now do some shadow, eyeshadow, because I'm going out. And yes, of course, if anybody would like to know, I've forgotten my eyeshadow brush as well, lovely. Basically, this is the biggest nightmare possible. I'm gonna go for like a little nudie brownie tone. This is my quick go-to, guys, when I don't know what to do and when I don't have any things, clearly. I am a little jet-lagged. It's not a very large time difference, it's just 3.5 hours, but definitely feeling a bit wonky donky. Not sure what time of the day it is. I also landed up sleeping on, there are two flights, I landed up sleeping on both the flights, I'm not sure what meal to eat. So eye makeup is done, guys. Ab na eye makeup as in eyeshadow ho gaya done. Iske baad eyelashes karte hain curl. तो मैं यूज कर रही हूँ पर्पल का मस्कारा। सो आई एम गोना डू मस्कारा। व्हाई एम आई डूइंग इट ऑन द कैमरा? आई रियली लाइक दिस मस्कारा, शार्लेट टिल्बरी। So brown around the eyes, a bit of nose. I always use Benefit for brows. Earlier I used to not shape my brows. I just started shaping it for my film Rocky or Rani. Mickey contractor, the maestro makeup artist, also the reason I know anything about makeup and being an actor, since my first film was with Mickey. He taught me everything. He also taught me not to ever touch my brows. So my brows were initially very thick. They're still much thicker than usual. But he just said that keep it the way it is because it makes you vulnerable. After that, she is applying a blush. So hum bhi lagate hain. Blush. Yeah, I've got no shadow brush, but I had 3 blush brushes, so you can see how obsessed I am with blush. 3 different blush brushes.
Stand Out Blush. After that, she's applying a lipstick or a lip color. I'm using a Maybelline lipstick. Okay, feeling a lip color, so I'm gonna go with my favorite NARS Dolce Vita. At the end, she is applying a translucent powder, so I reapply it. So the powder I use on my face is also very translucent powder. It's an hourglass one. I like to keep it still very sheer. So guys, this is my final look. I hope you liked it, because इस मैंने जो आलिया भट्ट के जितने भी hacks थे मैंने सब कुछ use करा है. And मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा dewy makeup है and everyday makeup है काफ़ी ज़्यादा. इसमें दो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा different लगी, वो ये थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा highlighter use करा था, like I think 3-4 time उन्होंने highlighter use करा था. इधर एक और चीज थी कि उन्होंने जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहले कंसीलर लगाते हैं देन पाउडर लगाते हैं, लेकिन उन्होंने पहले पाउडर लगाया उसके ऊपर कंसीलर अप्लाई करा. सो दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फॉर मी एंड यही था पूरा लुक. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड कॉमेंट करिए हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस. लाइक अगर आप अपने फेवरेट एक्ट्रेस का लुक रिक्रिएट करवाना चाहते हैं तो वो भी मैं आप सब लोगों के लिए करूंगी. एंड आप बता सकते हैं कि पर्टिकुलर ये वाला लुक रिक्रिएट करना है, तो मैं पक्का कह रही हूँ मैं आप लोगों के लिए वो करूंगी. एंड ऑल्सो आप प्लीज कॉमेंट करके बताइएगा कौन सा लुक, या एक्ट्रेस के अलावा आप इन्फ्लुएंसर का भी बता सकते हैं, लाइक आपका फेवरेट यूट्यूबर जो भी है उनका लुक क्रिएट करना है तो मैं उनका भी कर लूंगी. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है प्लीज फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि काफी अच्छा कॉन्टेंट मैं वहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट करती रहती हूँ. तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. Bye, Tata, take care, have a nice day.